अगर आप टू व्हीलर या फिर कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 1 सितंबर से नए इंश्योरेंस नियम लागू हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज जो आपको जानना जरूरी है कि अब कोई भी गाड़ी लेने पर आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना होगा, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम और बढ़ जाएगा। पूरी जानकारी लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, फेस्टिव सीजन के अंदर अगर आप नया टू व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो आपको करीब करीब 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक एकमुश्त भुगतान ज़्यादा करना होगा, और ये जो भुगतान होगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में होगा। जिस तरह से 1 सितंबर से लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के नियम लागू हुए हैं और वहाँ पर टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, और उसके बाद अब जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर एक और कंपोनेंट होता है पर्सनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन कवर, उसकी जो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन की लिमिट है उसको बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया गया है, और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां 750 रुपये सालाना प्रीमियम वसूलेगी। तो ये इसके बाद जो 5 साल का प्रीमियम होगा जो पॉलिसी खरीदते समय आपको देना होगा वो 3,750 रुपये होगा। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी कवर का जो प्रीमियम है, 100 cc की बाइक है उसका करीब 3,000 रुपये बढ़ोतरी हुई है, और 150 cc की बाइक है उसकी करीब 5,000 रुपये तक बढ़ा है। हालांकि ये पूरे अगले 5 साल के लिए है प्रीमियम आपसे वसूला जाता है, और उस अगले 5 साल तक आपको कोई थर्ड पार्टी प्रीमियम नहीं देना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जो ग्राहक है वो टू व्हीलर खरीदने जाएगा तो एक नोशनल इम्पैक्ट जरूर आएगा, 6,000 रुपये से 8,000 रुपये आपको एकमुश्त ज़्यादा देने होंगे। हालांकि IRDA ने जो निर्देश दिए हैं वो मद्रास हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के बाद दिए हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पर्सनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन है उसकी जो लिमिट है वो पहले टू व्हीलर के लिए 1 लाख रुपये हुआ करती थी और फोर व्हीलर के लिए 2 लाख रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ा के कम से कम 15 लाख की जाए। हालांकि कंपनियाँ चाहे तो अपने प्रोडक्ट में इससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर भी दे सकती है, लेकिन कम से कम 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर पर्सनल एक्सीडेंट प्रोटेक्शन के अंदर देना जरूरी होगा।